back to all of you in my channel. This is Seema Nema. In this video lecture, we will try to solve the questions, numeric based on the same chapter, and this numeric from the end of the chapter. Okay, आपने मैंने online classes में तो वैसे हमने काफी कुछ questions पर deal किया है, but इसमें हम कुछ सिर्फ और सिर्फ numeric पे ही work करेंगे, है ना? और ठीक है, let's see. क्या होता है यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत कर रही हूँ जिसमें इसके पहले के क्वेश्चन पर हमने काम कर लिया है और वो बेसिकली क्या थे सब थ्योरेटिकल थे थ्योरी क्वेश्चन से मेरा मतलब बेसिकली जैसे गिव रीजंस गिव द रीजंस है ना व्हाई इट हैपेंस तो ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर वो आप वर्बली या थ्योरेटिकली डील कर सकते हैं यहाँ पर इसे भी आप वर्बली केस निपटा सकते हैं मेरे हिसाब से हमारे को भी वर्बली किया जा सकता है ना सिर्फ मैं यदि आपको हिंट दे के छोड़ दूँ और आप इसे बता सकते हैं बहुत ही सिंपल है टफ जैसा कुछ नहीं होता है लेट मी क्लियर टफ जैसा कुछ नहीं होता है चलिए आई एम गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन ठीक है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड्स फाइंड इट्स एक्सीलरेशन एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इट मासेस इट्स 7 टन्स देखो आपकी बुक में NCERT की बुक में जहाँ एंड ऑफ द चैप्टर्स में क्वेश्चन दिया है इस पर्टिकुलर पेज में दिया होगा क्वेश्चन क्वेश्चन आईडी 128 पेज नंबर कुछ पर है एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा 7 टन्स इन द टर्म ऑफ किलोग्राम्स आप निकाल सकते हैं यहाँ पर मैं जिस बिकॉज उसने आपको एक हिंट में टन्स और किलोग्राम्स के बीच एक रिलेशन प्रोवाइड कराया है 1 टन इज इक्वल टू 1000 केजी सो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट दिस टन दिस मास इन द टर्म ऑफ केजी So, just because 1 ton is equal to 1000 kgs, so in this way, 7 tons is equal to how many kgs? 7000, exactly. चलिए अच्छा ये उसने क्यों दिया यहाँ पर जस्ट बिकॉज ये भी आपको पता होना चाहिए देखिए मेरे मैथ सॉल्व करने का तरीका बहुत अलग मैं सॉल्व नहीं करूँगी लेट बी क्लियर मैं सॉल्व नहीं करूँगी मैं ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ मेरा जो मेन टारगेट है वीडियो लेक्चर्स में वो सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट करना है आपको गाइड करना है बनाना आपको खुद है बनाना आपको खुद है जो डाउट्स आपको आ सकते हैं जिन डाउट्स की पॉसिबिलिटीज हैं जो क्वेरीज आपको आ सकती हैं उन पर हम काम करेंगे उन पर हम डिस्कशन करेंगे मुझे पता है बच्चे कहाँ पर अटक सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन रीड आउट तो कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन की गंभीरता वो बच्चे नहीं समझ पाते बेसिकली उनको प्रॉब्लम जाती है क्वेश्चन के लिखे मतलब क्वेश्चन में दिए हुए स्टेटमेंट्स को एक्चुअली समझ पाने में वो उसे गलत यदि आप क्वेश्चन को पढ़ तो रहे हैं बट यदि आप उसे गलत समझ रहे हैं है ना सही डायरेक्शन में नहीं लेने तो ऐसे कंडीशन में आप मैथ्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे इवन आपको अपना इनिशिएटिव स्टेप भी समझ में नहीं आएगा जिस बिकॉज आप बहुत छोटे हैं है ना आप अभी 9th स्टैंडर्ड में हैं अभी आपके लिए चुनौतियों से भरा हुआ है लेट मी क्लियर एज कम्पेयर टू 10th 9th ज़्यादा टफ पड़ता है जैसे ठीक वैसे ही जैसे कि 12th के कंपेयर में 11th ज़्यादा टफ पड़ता है जिस बिकॉज 9th और 11th दोनों ही प्री बोर्ड क्लासेस हैं दोनों ही क्या है यहाँ पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट से भरी हुई क्लासेस हैं ठीक है चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में क्या दिया जब भी आप न्यूमेरिक्स को डील करते हैं तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड आउट कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि क्या क्या चीजें हमके क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है इट मीन्स गिवन है तो चलिए मैं डायरेक्टली हूँ यहाँ पर गिवन पहले आप अपनी गिवन चीजें लिख लीजिए क्या क्या चीजें आपको गिवन है जैसे कि सबसे पहले उसने आपको हिंट में ही बोल दिया क्या बोल दिया यहाँ पर अ ड्रग स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब रुकी हुई अवस्था से चलना शुरू कर रही है इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर जीरो हो जाएगी है ना इनिशियल वेलोसिटी जितने बेसिकली हम यू लेते हैं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जस्ट बिकॉज एज यू नो मीटर पर सेकेंड इज व्हाट द एसआई यूनिट फॉर द वेलोसिटी ओके ओके रास्ते से चलना शुरू करिए दैट्स है ना एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए बच्चे समझ नहीं पाते स्टेशनरी पोजिशन से या रास्ट से चलना शुरू कर दिया है इसका मतलब होता है वो रुकी हुई अवस्था से चलना शुरू कर दी मतलब मोशन से पहले तो रुकी हुई थी ना तो यदि मैं इनिशियल वेलोसिटी बोलूँ यहाँ पर तो वो बेसिकली जीरो सब्सटीट्यूट की जाएगी यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ पर रोल्स डाउन हिल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ठीक है अब वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ कहीं ना कहीं बढ़ रही है ठीक है मतलब जो एक्सीलरेट हो रही है ऐसा नहीं कि एक्सीलरेट नहीं हो रही है बट वो एक्सेलरेशन कैसा है फिक्स्ड है कॉन्स्टेंट है सपोज 1 or 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये मैंने अभी कंसिडर किया है तो जैसे मैंने कंसिडर कर लिया 2 या 4 तो 4 मीटर पर सेकेंड क्या हो रहा है यहाँ पर एक्सेलरेट वो लगातार होते जा रही है ना
समझ में आ रहा है यहाँ पर आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब फोर ही रहेगा, फोर से फाइव या सिक्स नहीं होगा यहाँ पर ड्यूरिंग मोशन, वो एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या बोलता है, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड्स। लेट मी क्लियर, देखिए कुछ बच्चे इसे गलत समझ लेते हैं, ये बहुत ही क्लियर है, ये टुकड़ों में दिया, उसने ये नहीं बोला यहाँ पर पे कि भाई इतने समय के बाद अब उसकी रफ्तार इतनी हो जाती है या एक्सेलरेट हो रही है, ये ऐसा कुछ उसने नहीं दिया। वो ये नहीं बोल रहा है कि फाइनल वेलोसिटी इतनी हो जाती है, वो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि भाई 20 सेकंड्स चले, रुकी हुई अवस्था से कितना चले वो 20 सेकंड्स चले, आफ्टर 20 सेकंड्स क्या हो जाता है, 20 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती, 400 मीटर्स का डिस्टेंस वो बेसिकली ट्रैवल कर लेती है, कितने मीटर्स का, 400 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेती है इन विच इन 20 सेकंड्स। तो बताइए यहां पर 400 से हमारा मतलब क्या है, उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, बेसिकली हम क्या करते हैं जो कवरेज डिस्टेंस है या जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है उसे हम बेसिकली स्मॉल सॉरी कैपिटल एस लेते हैं। आपको पता होगा इसके पहले प्रीवियस चैप्टर चैप्टर 8 में जब आप पढ़ रहे थे मोशन, तो उसमें आपने क्या पढ़ा है यहाँ पर 1, 2 and 3 डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन पर आपने काम किया है। तो उस वक्त आप क्या करते थे, डिस्टेंस कवरेज डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रैवल को आप एस कंसिडर करते थे, तो यहाँ पर भी हम एस कंसिडर करेंगे, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है 400 मीटर, कितने समय में, यहाँ पर 15 क्या हो जाएगा बेसिकली आपका 20 सेकेंड्स, ये चीज आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। ठीक है, आगे देखेंगे और क्या प्रोवाइडेड है, उसने आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है, डायरेक्टली फाइनल वेलोसिटी नहीं दी है, फाइनल वेलोसिटी से मेरा मतलब क्या यहाँ पर वी इक्वल्स उसने आपको नहीं दिया है, लेट मी क्लियर, वी इक्वल्स उसने आपको नहीं दिया है, वो सस्पेंस रखा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। सबसे पहले क्या पॉइंट करने बोल रहा है, बताइए वो कितना एक्सेलरेट है, यदि वो फाइनल वेलोसिटी दे देता तो सीधा हम फाइनल में इनिशियल्स को सब्सट्रैक्ट करते है ना, और उसका क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर चेंजिंग रेट निकाल लेते हैं, जिस प्रकार चेंजिंग रेट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, बट इन दिस केस आपको इन फाइनल वेलोसिटी दिया ही नहीं है, उसने आपको क्या कर दिया 20 सेकंड्स में कवरेज डिस्टेंस बता दिया 400 मीटर बता दिया। ठीक है यहाँ पर मैं आ रही बात आपको समझ, तो अब आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या प्रोवाइडेड है दिख रहा है, यू एस और टी आपको प्रोवाइडेड है, बी आपको नहीं पता, टी क्वेश्चन मार्क है, बी आपको प्रोवाइडेड नहीं है, बी के साथ साथ ए भी आपको प्रोवाइडेड नहीं है, जो आपको डिटरमाइन करना है क्वेश्चन मार्क, वैसे डिटरमाइन जो करना है वो सिर्फ ए है, बी आपका टारगेट नहीं है, बी आपको निकालने नहीं दिया, ना तो क्वेश्चन में दिया है और ना ही निकालने प्रोग्राम, जरूरी नहीं है कि बी यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम एक्सेलरेशन निकाल ही नहीं सकते, एक्सीलरेशन को भी डिटरमाइन करने के अपने कई तरीके होते हैं। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ में क्या बोल रही हूँ, एक्सीलरेशन को कई तरीकों से निकाला जा सकता है यहाँ पर, है ना, जैसे कि यदि आप यदि आपको वी प्रोवाइडेड होता तो आप न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ कंटिन्यू होते, जो बेसिकली क्या यहाँ पर आपका जो बेसिकली क्या होता है बी इक्वल टू यू प्लस ए के, और उसको हम ऐसे भी करते ए इक्वल टू बी माइनस यू बाय टी, मतलब सेम ये न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, बट आप इसके साथ कंटिन्यू नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते बेटा यहाँ पर, जैसे यदि यहाँ से या यहाँ से आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको उसकी टर्मिनल या फाइनल वेलोसिटीज का प्रोवाइडेड होना जरूरी है, बट वो तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, फाइनल वेलोसिटीज रिक्वायर्ड है, यदि आपको इसके साथ कंटिन्यू होना है तब, मतलब न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया कैंसर। आरी बात समझ, अब आइए न्यूटन सेकंड पर, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो पहले फॉर्म लिख लेते हैं यहाँ पर, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या यहाँ से हम ए को डिटरमाइन कर सकते हैं, इक्वेशन में ए है तो आफ्टर शिफ्टिंग आफ्टर ट्रांसपोजिंग हम ए जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, ए कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, ए के लिए फॉर्मूला तैयार करेंगे या ए के फॉर्मेट में इक्वेशन तैयार करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ए डिटरमाइन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पे कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यदि ए मुझे डिटरमाइन करना है तो एफ रिक्वायर्ड है, यू रिक्वायर्ड है और टी रिक्वायर्ड है, एम आई राइट, एम आई राइट, एम आई डेफिनेटली राइट, तो ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर्ड है, तो क्या ये रिक्वायर्ड क्वांटिटीज अलाउबल है, यदि क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा है, हाँ प्रोवाइड करा रहा है, देखिए आप क्वेश्चन से आपको प्रोवाइडेड है यू वी एफ वी और टी वी, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज आपके क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके साथ आप कंटिन्यू होंगे, ये हिंट आपको समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पे, इसके साथ जब आप कंटिन्यू होंगे, जब आप एस नॉट टी का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हर सूरत में
वंस है जो कि आपके लिए क्या है अभी तक में वेरिएबल है, वो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर कैलकुलेट हो करके मिल जाएगा, डिटरमाइन होकर के आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स कंटिन्यू विद द न्यू क्लास सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन। x = क्या सब्स्टिट्यूट किया जाएगा बोलिए 400, u = क्या रखा जाएगा 0, तो 0 * 3 प्लस हाफ, a = क्या रखा जाएगा बोलिए यहां पर a तो सस्पेंस है वही को आपको निकालना है, और t = क्या रखा जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आंसर क्या आपका 20 का स्क्वायर इन दिस फॉर्म। एम आई राइट? अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहां पर 0 * 3 मतलब 0, तो ये हो जाएगा यहां पर आपका 400 इज इक्वल्स टू 0 और ये 20 का स्क्वायर मतलब 400, तो ये हो जाएगा यहां पर आपका 400 बाय 2 * a। हमारा एक समझ में आ रहा है यहां पर 20 का स्क्वायर मतलब होता है आपका बेसिकली 400, अब 400 बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा यहां पर आपका 200, हमारा एक कितना आ जाएगा मतलब आपके पास 200, ये हो जाएगा यहां पर 400 इज इक्वल्स टू 200 a। हाँ लेकिन इधर ध्यान देंगे यहाँ पर बेसिक क्या है, हाँ 200 ए ही होगा बिल्कुल सही 200 ए। अब यहाँ से भी आपको ए डिटरमाइन करना है तो बताइए ए क्या इम्प्लाई कराया जा सकता है, ए क्या हो जाएगा यहाँ पर 400 बाय 200, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 400 बाय 200 विच इज इक्वल टू व्हाट 2 विच इज इक्वल टू व्हाट 2, तो ये क्या निकल गया यहाँ पर ऐसा ही यूनिट क्या होती है जिसका हम तीनों जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज का जो हम किसके साथ कंटिन्यू हो रहे हैं उन तीनों की ऐसा यूनिट के साथ हम कंटिन्यू हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब जो हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट होकर के मिलेगा वो ऐसा ही मिलेगा, दैट मीन्स वी गेट द एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दिस केस, तो आपको फाइनली ए डिटरमाइन होकर के मिल जाता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इज दैट ओके या नॉट। अब ए डिटरमाइन हो गया है, अब निकालना चाहिए क्वेश्चन में, एक चीज हमने डिटरमाइन कर ली है, नेक्स्ट क्या होगा फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट मासेस इट्स 7 टन्स एम आई राइट, जैसे कि मैंने बताया 7 टन्स इज इक्वल टू व्हाट 7000 किलोग्राम्स, इज दैट ओके या नॉट, 1 टन इज इक्वल टू व्हाट 1000 केजीस, सो इन दिस वे है ना 7 टन इज इक्वल टू 7000 केजीस। जैसे कि मैंने आपको बार बार कहा है 10 के साथ आप कंटिन्यू नहीं हो सकते जस्ट बिकॉज 10 मास के लिए उसके ऐसा यूनिट नहीं है, बड़ी जरूर है बट ऐसा ही नहीं है, है ना। आप क्या करेंगे यहाँ पर भाई, यदि आप भाई यदि आप किसी फॉर्मूले के साथ कंटिन्यू हो रहे हैं, अब समझे आप मैं आपको भी समझाऊंगा थोड़ा रुक कर, ए डिटरमाइन हो गया, अब बारी आती है आपको उस वर्क पर वर्क करने वाले फोर्स को निकालने का, ठीक है, बेसिकली फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट है ना, इट से मेरा मतलब ट्रक से जिसका मास बेसिकली 7000 केजी है, तो फोर्स के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है न्यूटन सेकंड सेकंड्स लॉ ऑफ मोशन में जहां पर आपको फोर्स डिराइव करके बताया गया या फोर्स को फॉर्मुलेट करके सिखाया गया एफ इक्वल टू एम, एंड बाय दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट द फोर्स ऑन ट्रक्स। तो चलिए निकालिए एफ इक्वल टू एम, देयर एम इज व्हाट द मास ऑफ द ट्रक व्हिच इज व्हाट 7000 केजी है ना, ये केजी हो गया यहां पर आपका हमारा एक शेयर। अब ए ए अभी आपने कैलकुलेट किया जो कि बेसिकली कितना निकला यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो यूनिट को थोड़ा सा साइड कर दीजिए, कभी भी जब मैथ सॉल्व करें तो यूनिट को साइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा मतलब 7000 * 2 ये हो गया आपका न्यूमेरिक, अब हो जाएगी यहाँ पर आपकी यूनिट आ रहा है आपको समझ में, क्या हो गया यहाँ पर केजी, क्या हो जाएगा यहाँ पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बेसिकली क्या कहलाता है यहाँ पर न्यूटन कहलाता है, मैंने जैसे आपको बताया था 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 newton है ना, ऐसा ही हम फोर्स के यूनिट क्या पढ़ते हैं न्यूटन, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा इस कंप्लीट को हम रिप्लेस कर सकते हैं न्यूटन से, जस्ट बिकॉज फोर्स के लिए ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर पे इसको लिया गया आपका 40,000 newtons वॉट फोर्स जो है वो वर्क करेगा, ठीक है समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, होप आप लोगों को समझ में आया हो है ना, इस क्वेश्चन से आपको चीजों को सॉल्व करना समझ में आया, सबसे पहले तो आपको वर्ड प्रॉब्लम से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको क्वेश्चन को एक नहीं तो, और हाँ क्वेश्चन से भी पैराग्राफ में बहुत लंबा सा वर्ड प्रॉब्लम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही कहूंगी कि आप 1 by 1 लाइन को रीड आउट कीजिए, 1 by 1 लाइन को जब आप क्या करते हैं प्रॉपरली रीड करते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या चीजें प्रोवाइडेड है,
है ना, समझ में आ रहा है? मैंने 1 by 1 जैसे लिख दिया और उस रीड के बेसिस पर मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की, मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें जो है वो प्रोवाइडेड है और जिस बेसिस पर यदि मुझे ए निकालना है, अगर जो प्रोवाइडेड है उसके बेसिस पे ए डिटरमाइन जो होगा जाहिर सी बात है, जो दिया ही नहीं है उस बेसिस पे कैसे पॉसिबल होगा? यदि फाइनल वेलोसिटी देता तो मैंने आपको केस बता दिया था, बट फाइनल जो उसने आपको नहीं दिया है, आपको कुछ उसने आपको कुछ और प्रोवाइड कराया है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर क्या करेंगे, इसी के साथ कंटिन्यू हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ कंटिन्यू, वजह आपको मैंने बता दिया और उसके साथ कंटिन्यू होते हुए मैंने सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाला है एंड देन आफ्टर इन द टर्म ऑफ एक्सेलरेशन एंड मास वी कैन इजीली कैलकुलेट द फोर्स, जस्ट बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज व्हाट, एफ इज इक्वल टू एम, तो बस दोनों का सब्स्टिट्यूशन करना है, नथिंग एल्स। होप आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आई एम गोइंग टू रीड दिस क्वेश्चन। अ स्टोन ऑफ साइज 1 kg, ओके साइज ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 m/s अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ब्लैक। सबसे पहली चीज यहाँ तक आप पढ़ लें, ओके क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बेसिकली एक पत्थर है, ठीक है, पत्थर का यहाँ पर 1 kg का है ना, उसका उसका मास आपको प्रोवाइडेड है यहाँ पर, ठीक है, 1 kg वाले किसी साइज का, किसी हम मास वाले पत्थर की बात कर रहे हैं जिसे बेसिकली फेंका जा रहा है, ठीक है, जिसे बेसिकली क्या किया जा रहा है, पर फेंका जा रहा है और किस पर फेंका जा रहा है, फ्रोजन सर्फेस ऑफ ब्लैक पर फेंका जा रहा है। दैट मीन्स कोई झील है और उस झील पर क्या हुई, एक जमी हुई पर्ट यहाँ पर जिस पर उसे फेंका जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको, उस पर फेंका जा रहा है उसे, ठीक है, और किस रफ्तार के साथ फेंका जा रहा है, 20 m/s की रफ्तार से उसे बेसिकली फेंका जा रहा है। अच्छा कितने वजन का यहाँ पर 1 kg का है, दैट मीन्स आपको मास ऑफ द स्टोन प्रोवाइडेड, मास ऑफ द स्टोन जो है यहाँ पर वो आपको प्रोवाइडेड है, मास ऑफ द स्टोन विच इज इक्वल टू व्हाट, 1 kg आपको प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन में है, यहाँ पर द इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया। देखिए जब कभी किसी चीज़ को उछाला जाता है या फेंका जाता है, बेसिकली उछाले जाने से मेरा मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कोई प्रोजेक्टाइल है जिस पर आप प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करवा रहे हैं, है ना, समझ में आ रहा है? यहाँ पर किसी चीज़ को ऊपर की तरफ उछालना या नीचे की तरफ गिराना या किसी चीज़ को फेंका जाना टूवर्ड्स राइट या टूवर्ड्स लेफ्ट या कभी यहाँ पर पे, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा यहाँ पर पे, आप उसको पढ़ेंगे यहाँ पर पे बेसिकली एंगुलर और बेसिकली जिसको हम एंगुलर को ऑब्लिकली भी पढ़ते हैं, है ना, वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस है। और एक सेकेंड जो मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को हॉरिजेंटली फेंका जाना है ना, हॉरिजेंटली फेंका जाना किसी चीज़ को, वर्टिकली नहीं, हॉरिजेंटली फेंका जाना, उछाला जाना शब्द इस्तेमाल नहीं किया, तो ऐसी कंडीशंस में जो प्रोजेक्टाइल है दैट मीन्स जिसे फेंका जा रहा है उसके द्वारा जो क्या मोशन है दैट इज कॉल्स द हॉरिजेंटल मोशन। यहाँ पर बेसिकली दो तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, जब आप 2D मोशन पढ़ते हैं तब, है ना, उस पर हम डीप में कन्वर्सेशन करेंगे। खैर अभी वहाँ पर इस टॉपिक को स्टार्ट नहीं करेंगे। बेसिकली यहाँ पर पे क्या किया जा रहा है, जो पत्थर है 1 kg का और दूसरा यहाँ पर पे जिसे, हाँ तो मेरा ख्याल के लिए आपको बताना, जब कभी किसी चीज़ को उछाला या फेंका जाता है तो बेसिकली क्या होता है, किसी एक रफ्तार की ज़रूरत होती है ना। यदि आपको छलांग लगानी है, उछलना है, छलांग लगानी है आपको आगे की तरफ, तो ऑब्वियसली आपको किसी न किसी स्पीड के साथ आते हुए ही आप छलांग लगा पाएंगे आगे की तरफ, है ना, रुकी हुई अवस्था से आप अचानक से छलांग लगा के आगे नहीं बढ़ सकते, समझ में आ रहा है? यदि मैं सपोज में चाहती हूँ एक लंबी छलांग लगा सकूँ तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं कुछ दूरी दौड़ते हुए आऊँ, कुछ डिस्टेंस पहले से ट्रैवल करते हुए आऊँ, दैट मीन्स कुछ ना कुछ रफ्तार मेरी बॉडी में होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? जैसा कि आपने रनर्स वगैरह को देखा होगा, है ना, आपने कई सारे ऐसे देखा होगा जंपिंग रेस रहती है बेसिकली, बीच बीच में काफ़ी सारे उसमें वो लगे होते हैं, क्या बोलना चाहिए उसको, रेसिस्टर्स लगे होते हैं बेसिकली यहाँ पर पे, जिसे पार करते हैं वो छलांग लगा के जंपिंग करके, है ना, आपने देखा होगा एक लंबी छलांग वही लगा पाता है जो बहुत ही फुर्तीले तरीके से बहुत ही लंबी दौड़ करता हुआ आ रहा होता है। दैट मीन्स आपको यदि किसी चीज़ को ज़्यादा लंबा हॉरिजॉन्टली मूव करवाना है ना, तो आपको क्या करना होगा, उसे उतने ही फोर्सफुली या उतनी रफ्तार से उसे फेंकना होगा, मतलब रफ्तार का होना बहुत ज़रूरी बेसिकली, है ना। यदि आप ज़्यादा हॉरिजॉन्टली रेंज ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैक्सिमम होता है ऐसे कंडीशंस में, आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब आपको बहुत स्पीडली उसे
फेंकना होगा। यानी कभी भी याद रखिएगा, आप लोग जब कभी आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, स्पेशली जब आप हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे हैं, तो जब आप किसी चीज को हॉरिजॉन्टली या हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करवाना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए या सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए भी आपको बेसिकली क्या होना चाहिए, आपके पास रफ्तार होनी चाहिए, शुरुआती रफ्तार होनी चाहिए, है ना, कम या ज्यादा। बट यदि आप ज्यादा ज्यादा तय करवाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा ज्यादा वेलोसिटीज के साथ उसको क्या करना होगा, पर फेंकना होगा। मतलब उसको बॉडी रेस्ट पर नहीं होनी चाहिए, लेट मी क्लियर, बॉडी रेस्ट पर कभी नहीं होती किसी भी चीज को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मूव करवाते वक्त, है ना। समझ में आ रहा आपको मेरे बात में क्या बनने की कोशिश करी, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कोई भी नहीं भूलेगा, ये लाइफ लॉन्ग लाइफ है आपके लिए, ठीक है। तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, यदि आप फेंक रहे हो तो ऑब्वियसली कोई ना कोई रफ्तार से आप फेंकेंगे किसी चीज को। अभी आपको यू प्रोवाइडेड है, मतलब क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपको यू प्रोवाइडेड है ना, आपको यू किसका प्रोवाइडेड है, स्टोन का प्रोवाइडेड है, कितना दिया गया आपको 20 मीटर पर सेकंड यहां पर आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। और जब यहां पर कहा कि भाई अब उसको फेंका गया एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर और 50 मीटर तक की दूरी वो तय करता है सरफेस पर, और फिर फाइनली वो सरफेस उसको क्या कर देता है, एक वक्त के बाद रोक देता है। मतलब वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है सरफेस पर, 50, हमारा 50 मीटर का डिस्टेंस वो बेसिकली ट्रैवल किया है। मतलब आपको फिर क्या दे दिया है, कवरेज डिस्टेंस या ट्रैवल डिस्टेंस आपको दे दिया है 50 मीटर बेसिकली। आगे बात आपको समझ में भी आपको प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, और वो 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उस फ्रोजन सरफेस ऑफ द लैक, है ना, जो लैक है हमारे पास का जो फ्रोजन सरफेस था उस पर एक वक्त के बाद यानी 50 मीटर का दायरा तय करने के बाद वो रुक जाता है, कम्स रेस्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या कम टू रेस्ट, वो रेस्ट पर आ जाता है, रुक जाता है, रुक जाता है मतलब अब रफ्तार क्या होगी उसकी, यदि मैं यहाँ पर फाइनल फाइनल की बात करूँ यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी की, तो वो क्या हो जाती है, यहाँ पर जीरो हो जाती है, जस्ट बिकॉज अब वो ट्रैवलिंग करने के बाद रुक गया है, 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक गया है, दैट मींस यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो मीटर पर सेकंड। आगे मैं आपको समझा, अब क्वेश्चन कर रहा हूँ व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टोन एंड द आइस। अब आपको ऑब्वियसली ऑब्वियसली यदि किसी चीज को हम शुरुआती रफ्तार से फेंक रहे हैं या उछाल रहे हैं, है ना, और एक वक्त के बाद कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद यानी एक वक्त के बाद वो रुक जा रहा है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुक जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो जाहिर सी बात है वक्त के साथ, है ना, कवरेज डिस्टेंस वक्त के साथ क्या हो रही थी, उसकी रफ्तार कम होती जा रही थी, कम होते 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 वो जब फाइनली रिड्यूस्ड हुई है, डिक्रीज होते होते वो चीज रिड्यूस होती है, एक का एक रिड्यूस नहीं होती है, समझ में आ रहा है आपको। तो वैसे भी वेलोसिटी क्या हो रही थी, शुरुआती रफ्तार थी क्या थी, यहाँ पर 20 मीटर थी, 20 मीटर से घटते 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 एक वक्त बाद पूरी तरह से जीरो हो गई, है ना, क्यों, क्योंकि क्या होता है बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फ्रोजन सरफेस है यहाँ पर लैक का उस पर और स्टोन के बीच क्या हो रहा था, फ्रिक्शन हो रहा था, और इसी फ्रिक्शन फोर्स के चलते क्या हो गया, एक वक्त के बाद वो रुक गए, समझ में आ रहा है, यहाँ पर लगातार वेलोसिटी का बोले आप देख सकते हैं इनिशियल ज्यादा थी कम बैक टू फाइनल, फाइनल तो जीरो है, वो रेस्ट पर आ रहा मतलब वो एक्सीलरेट नहीं हुई है, मोशन के दौरान वो एक्सीलरेट नहीं हुई है, बल्कि बदलते समय के साथ उसकी रफ्तार कम हुई है, चेंजिंग रेट ऑफ वेलोसिटी डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, जस्ट बिकॉज ये एक्सीलरेशन कैसा है, यहाँ पर ये एक्सीलरेशन कैसा है, यहाँ पर रिटार्डेशन है, असल में वो रिटार्डेशन, जस्ट बिकॉज यहाँ पर वक्त के साथ रफ्तार बढ़ नहीं बल्कि घट रही है, मतलब अब आप जो एक्सीलरेशन निकालेंगे वो बेसिकली नेगेटिव आना चाहिए, देखते हैं आता है कि यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकाल लीजिए यहाँ पर एक्सीलरेशन जो कि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है, तो बेसिकली बेटा मैंने आपको बताया एक्सीलरेशन निकालने के एक नहीं दो नहीं कई सारे तरीके होते हैं, तो बात करते हैं पर न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, भाई यू दिया है वी दिया है, तो क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ कंटिन्यू हो सकती हूँ, आप मुझे बताइए। चलिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो बेटा मेरा जो टारगेट है वीडियो लेक्चर का वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि इस क्वेश्चन के थ्रू कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना जो बच्चों के दिमाग में आते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ इस क्वेश्चन को बनाना नहीं बल्कि इससे रिलेटेड कोई अदर क्वेश्चन भी आते हैं, चाहे वो एंड ऑफ द चैप्टर्स के हो, चाहे वो NCERT बुक्स के हो, चाहे कहीं ऐसे भी आप बनाए, आप उसको डील कर पाने की सिचुएशन में रहें, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब असल में आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मैं डायरेक्ट लेके आंसर सॉल्व करके लिख दूंगी तो गलत होगा, है ना, क्योंकि फिर आपके दिमाग में आएगा मैडम आप सेकंड या थर्ड के साथ ही क्यों कंटिन्यू हो, फर्स्ट के साथ भी तो कंटिन्यू हो सकते थे, तो जो आपकी पहली पॉसिबिलिटी है हम उसे समझने की कोशिश,
टी लॉसेस इज अ क्वांटिटी दैट मींस टाइम ही रिक्वायर्ड तभी मैं ए कैलकुलेट कर सकती हूँ जस्ट बिकॉज ए इज वॉट चेंजिंग रेट ऑफ वेलोसिटी बट व्हाट अबाउट दिस रेट समय तो उसने दिया ही नहीं है लेकिन जरा क्वेश्चन में क्या समझना आपको दिया है टी इक्वल्स टू पे भी प्रोवाइडेड है हमने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया टी से रेट आउट किया तो ये ऑब्जर्वेशन निकला ये चीजें क्वेश्चन में गिवन है इसके अलावा कुछ और गिवन है क्या नहीं उसने टाइम की कोई चर्चा ही नहीं किया उसने बताया कि भाई वो 50 मीटर का दायरा तय करने के बाद रुक जाता लेकिन वो 50 मीटर का दायरा कितने समय में तय कर रहा है वो उसने नहीं दिया समझ में आया आपको तो टी यहाँ पर भी क्वेश्चन में नहीं है और टी जो भी क्वेश्चन में अंदाज हुआ कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ कंटिन्यू नहीं हो सकते चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट तो फिर क्या आता है आप बताइए अब आपकी बारी सेकंड क्या मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ कंटिन्यू हो जाऊँ उसमें भी तो ए आता है ना दैट मीन एफ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लो यहाँ इस इक्वेशन के साथ यदि कंटिन्यू होते तो फिर हम ट्रैप हो जाने वाले हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पर भी यू भी एस उससे नहीं दे चलो ऐसे तो मैं फिर भी समझ लेती हूँ 50 मीटर का डिस्टेंस एस है ना कहीं क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है बट व्हाट अबाउट द टी फिर से आ गया जो कि हमको डिटरमाइन चाहिए अब यदि इसको डिटरमाइन करेंगे तो फिर ए को कब डिटरमाइन करेंगे हमको तो ए निकालना हमारा टारगेट ए है क्योंकि कितना एक्सीलरेट हो रही है अपोजिट डायरेक्शन से है ना हमको ए निकालना बेसिकली तो चलिए अब हम न्यूटन सेकंड इक्वेशन से साथ कंटिन्यू करते हैं चलिए देखते हैं एक बार न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से साथ कंटिन्यू हो जा सकता है क्या व्हिच इज व्हाट बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax एम आई राइट क्या मैं राइट यहां टाइम नहीं है इन दिस इक्वेशन टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड आ रही बात समझ यदि यहां से मैं ए निकालूं तो विदाउट टी भी ए आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है बारी न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अब बताइए कैसे यू पता है एस पता है देख सकते हैं तीनों चीजें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है तीनों चीजें आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है यू है एस यस तीनों चीजें तो प्रोवाइडेड है तो एक क्यों नहीं डिटरमाइंड होना होगा तो चलिए आप लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दिस इज व्हाट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं आपका ये हो गया आपका 0 यू हो जाएगा आपका आपका 20 सी हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 2ax ऐसा सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे बेटा 50 मीटर ऑलरेडी सारी चीजें एस एल में हैं तो अब आपको यूनिट रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो इंडिविजुअली हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज के एस एल यूनिट लिख रखी है सभी एस एल में है तो ऑब्वियसली जो एक्सीलरेशन आपको कैलकुलेटर करके मिलेगा वो भी एस एल में ही मिलेगा तो यूनिट्स आप नहीं रखेंगे न्यूमेरिक्स को सॉल्व करते वक्त तो भी चलेगा है ना उसका डिस्टर्बेंस होता है तो चलिए इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं 20 का स्क्वायर डिस्टेंस हो गया आपका 400 प्लस 2 × 5 डिस्टेंस कितना हो जाएगा नंबर पे 10 ये हो जाएगा नंबर पे 100a हमारा अब निकालना आपको क्या है a तो पहले 400 को शिफ्ट किया बेटा बेसिक रीजन थी कि आपको तब तक ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आए है ना ऐसे सॉल्व करते थे ना आपको इक्वेशन को चलिए तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -400/100 तो कितना आ गया पर तो आपके पास -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा इच्छा राइट सही है बेटा हमारा क्या एक्सीलरेशन हमको एक नेगेटिव एक्सीलरेशन मिलेगा और जैसे कि मैंने आपको प्री हिंट भी किया था जस्ट बिकॉज आप देख सकते हैं हमारे पास इनिशियल स्क्वायर 20 है और जबकि फाइनल 0 है एक समय के बाद वो क्या हो रहा है हमारे रेस्ट पर आ रहा है तो कोई भी चीज डायरेक्ट रेस्ट पर नहीं आती धीरे धीरे रेस्ट पर आती है दैट मीन्स हर एक बदलते समय पर उसकी रफ्तार कम होती चली जाएगी डिक्रीज होते होते कोई चीज़ रिड्यूस्ड होती है या कम्प्लीटली रिड्यूस्ड होती है डिक्रीज होते होते तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप किस किस तरीके से डिक्रीज हो रही थी यहाँ पर पे तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप देख सकते हैं रिटर्डेशन है यहाँ पर हर बदलते समय के साथ उसकी रफ्तार जो है वो क्या हो रही थी कम होती जा रही थी ठीक है तो जैसे सेम डायरेक्शन में होता था एक्सीलरेशन बट अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब रिटर्डेशन रफ्तार कम हो रही थी तो आपको -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ कंटिन्यू होते हुए क्या निकालना होगा बोलिए क्या निकालना होगा आपको 4 और 4 के लिए बेसिकली आप क्या करेंगे सेम फॉर्मूला लिख करके चलेंगे आप लोग दैट मींस न्यूटन सेकंड्स लॉ ऑफ मोशन नॉट इक्वेशंस आज मैं आपको समझ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एम इज इक्वल टू एम ए अब यहां पर मास ऑफ द स्टोन आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है जो कि बेसिकली क्या 1 केजी का है 1 kg मतलब आपके पास a आपने अभी कैलकुलेट किया जो कि जो है बेटा बेसिकली -4 है इसका सब्स्टिट्यूशन आप क्या करेंगे -4 ध्यान रखिएगा यहां पर क्या रखिएगा यहां पर पे -4 आप रखेंगे ठीक है समझ में आ रहा है यहां पर पे
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको माइनस फोर के साथ ही कंटिन्यू होना पड़ेगा। तो अब आपको सॉल्व करके फाइनली आपको क्या मिल जाता है? माइनस फोर न्यूटन। देखिए जब वो नेगेटिव एक्सेलरेट होगी है ना, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा दैट मीन्स रिट्रेडेशन उसमें होगा, तो ऐसी कंडीशन में उसमें जो फोर्स वर्क करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। याद रखिएगा फोर्स भी नेगेटिव आएगा है ना। देखो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस फोर न्यूटन जो है वो फाइनली आपको फोर्स मिल गया है, पर यह फोर्स नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? ये फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं है जो मोशंस प्रोवाइड कराएगा या मोशंस को सपोर्ट करेगा। ये फोर्स नेगेटिव है यहाँ पर भी, उस स्टोन पर नेगेटिव फोर्स वर्क कर रहा है जो कि मोशंस का अगेंस्ट करेगा यहाँ पर भी। आधी बात आपको समझ, मोशंस का अगेंस्ट इट मीन्स ये फोर्स का एक्शन फ्रिक्शन फोर्स है जो हमेशा मोशंस का अगेंस्ट करता है, जो हमेशा नेगेटिव होता है। आइए आपको बात यहाँ पर समझ, चले फिर यहाँ पर खत्म करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और, होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर होते जा रहे होंगे। तो लेट मी क्लियर, यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बहुत ही कम है, उसको 5 न्यूटन का है।
है ना, वो सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स है वहां पे, जबकि इंजन तो 40,000 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, और जब भी जो अपोजिट डायरेक्शन पे वर्क करने वाला फ्रिक्शन है यहाँ पर, है ना, वो फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पर सिर्फ वो सिर्फ 5 न्यूटन का, तो वो 40,000 में से 5 तो पहले आप माइनस कर दीजिए। यदि आपको नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स निकालना है, नेट एक्सिलरेटिंग से मेरा मतलब, नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स से मेरा मतलब क्या है, बेटे जिसमें कैलकुलेट करने पहले का आपको क्या लेना मुझे, नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स, मतलब आपको वो फोर्स निकालना, दो फोर्स है यहाँ पर, एक जो इंजन ब्रेक पर ऑपरेट कर रही है और दूसरा जो उस ऑपरेटेड है ना उस एक्शन फोर्स के अपोजिट है ना, उस एक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने वाला क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, जो कि ट्रैक बेसिकली अप्लाई करेगी, जिस पर एक्सर्ट करेगी बेसिकली ट्रेन के डब्बों पर है ना, उसके चक्कों पर लगाती है बेसिकली है ना, जैसे कि आपको पता है, जैसे सपोज वो टूवर्ड्स राइट मूव कर रहा हो तो ये टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में वर्क करेगा। अब अगर यहाँ पर बताया आपको नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स निकालना है, बेसिकली आपको निकालना है कि एग्जैक्टली ट्रेन पर कितना वर्क कर रहा है ना, ट्रेन पर दो तरीके के फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक ट्रेन पर जो इंजन लगा रहा है ना, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रैक उस ट्रेन पर लगा रही है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों फोर्स के थ्रू जो रिजल्टेंट है उसे हम नेट पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ट्रेन पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट एक्सीलरेटेड फोर्स, एक्सीलरेटेड क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि ये रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो ऑब्वियसली गाड़ी को क्या करेगा, आगे की तरफ भगाएगा, दैट मीन्स आगे की तरफ भगाएगा, इट मीन्स स्पीड बढ़ाएगा, उसे एक्सीलरेट करेगा, जस्ट बिकॉज जो इंजन के थ्रू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है वो बहुत ज्यादा, आप जैसे कि देख सकते हैं अगर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स का इंजन के थ्रू जो अप्लाइड है ट्रेन पर कितना, 40,000 न्यूटन है, समझ में आ रहा है आपको, तो एट कंपेयर टू दिस फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इस अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स से क्या हो जाएगा यहाँ पर पे, क्या हो जाएगा, गाड़ी आगे की तरफ एक्सीलरेट होती है यहाँ पर, एंड दैट्स व्हाई हम इस इन दोनों के थ्रू क्या निकालेंगे यहाँ पर, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स निकालेंगे, इतना तो कंफर्म है गाड़ी एक्सीलरेट होगी, बट गाड़ी के लिए, गाड़ी में एक्सीलरेशन के लिए या गाड़ी में रफ्तार के लिए, गाड़ी में एक्सीलरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स आपको निकालना है यहाँ पर। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, आपको इस 40 में है ना जो कि टूवर्ड्स मूव कर रहा है, वो टूवर्ड्स राइट मूव कर रहा है, इस 40,000 को माइनस करना पड़ेगा टूवर्ड्स लेफ्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन में, इस मोशन को अगेंस्ट करते हुए फ्रिक्शन फोर्स यानी कि 5,000 न्यूटन
पांच डब्बों से मिलकर के बनी, एक डब्बे का 2000 है तो पांच डब्बों से मिलकर के बनी ट्रेन का मास जो कि अभी मैंने निकाला 10,000 केजी के इक्वल होगा। तो आपको ट्रेन का मास पता है, ट्रेन पर एग्जर्टेड नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स आपको पता है, तो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर m in, तो यहाँ से यदि आप a निकालना चाहें तो a इक्वल टू क्या होगा, f by m, m आपको पता है, m आपको पता है, then substituting the value of force which exerts, which is net accelerating and exerts on the train, okay, which works on train, okay, and mass is what, mass of the train, which is what, 10,000, that is नीचे दस, आगे बात करें पैंतीस से ज़्यादा नीचे दस होता है, मैक्स कॉल्स कॉल्स इसे 2.5 और कितने मास पर ट्रेन का मास कितना था, अभी हमने बताया था 10,000, ये हो गया आपको केजी, तो न्यूटन पर केजी पर आपको फाइनली क्या मिल जाता है, यहाँ पर बेसिकली क्या मिल जाता है 3.5, और ये एक्सेलरेशन कैसे यूनिट क्या होती है बेटा, बेसिकली मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको मिल गया बेटा, क्या चीज एक्सेलरेशन मिल गया आपको, ट्रेन जो है वो क्या हो जाती है यहाँ पर आपका इस एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट होगी, मतलब सेकंड चीज भी आपने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर ली, पहले तो कैलकुलेट कर ही लिया था, सेकंड चीज भी आपने कैलकुलेट कर ली, a = 3.5 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसके मतलब क्या निकलते हैं, ट्रेन इस रफ्तार इस 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगी का क्या मतलब निकलता है, मतलब ट्रेन यदि पांच डब्बों से मिलकर के बनी तो हर एक डब्बा जस्ट बिकॉज ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, है ना, जितने भी वैगन्स हैं यहाँ पर सभी कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं मैग्नेट्स के थ्रू, जैसे कि आपको पता है एक डब्बा पिछला डब्बा जो है वो अगले डब्बे से क्या होगा, बेसिकली मैग्नेट्स लगे होते हैं, हैवी मैग्नेट्स लगे होते हैं, जिससे दोनों डब्बे जो है वो क्या होते हैं, दोनों वैगन्स जो है वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगला डब्बा जो है वो पिछले डब्बे से कनेक्टेड होता है, हमारा एक हमारा एक यानी हैवी मैग्नेट्स, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, सभी सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, और चूंकि क्या हो रहा है गाड़ी जो है ओवरऑल ट्रेन जो है वो एक्सीलरेट हो रही है 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, इसका मतलब ये है ना केवल एक डब्बा बल्कि अगला पिछला और उसके बाद सभी डब्बे जितने भी हैं, है ना, ना केवल पहला बल्कि पहला दूसरा तीसरा चौथा हर एक डब्बा जो है वो इस तरीके से सेम किसी एक्सीलरेशन के साथ ही एक्सीलरेट हो रहा है, क्योंकि वो डब्बे किसी और के नहीं बल्कि ट्रेन की है, तो ट्रेन यदि 3.5 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट हो रही, इसका मतलब हर एक डब्बा, यदि हर एक वैगन के लिए मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो हर एक के लिए यानी कि इंडिविजुअली के लिए एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, सेम 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने क्या बोला अभी यहाँ पर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड का मार्क करना है आपको फोर्स ऑफ वैगन ऑन वैगन टू, आपको क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स ऑफ वैगन वन ऑन वैगन टू, मतलब एक डब्बा दूसरे डब्बे पर कितना फोर्स लगाता है उसे खींचने के लिए बेसिकली, है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मैंने क्या बोला, एक वैगन दूसरे वैगन पर कितना फोर्स लगाता है, जैसे कि आपको पता है नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स 35,000 है, इसे मैं रफ कर देती हूँ बेटा, इसे मैं रफ कर दूँ यहाँ पर बैठ, चलिए इसे रफ नहीं करते, यही रहने देते हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स तो नहीं बदलेगा जो कि 35,000 है, यहाँ पर दूसरा, अब ये पूछा है जो भी माइनस होगा वो नेट एक्सीलरेटिंग पे होगा, क्योंकि ओवरऑल जो है वो जो वर्क कर रहा है ट्रेन पर वो 35,000 न्यूटन का ईयर रिंग होगा जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया, अब इसमें कितना सब्सट्रैक्ट करूँ यहाँ पर मैं, कितना सब्सट्रैक्ट करूँ, क्योंकि हमको ओवरऑल ही निकालना है, हमको क्या निकालना है, सिर्फ इतना निकालना है कि एक डब्बा दूसरे डब्बे पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, और जितना एक दूसरे पर करेगा दूसरा तीसरे पर करेगा, तीसरा चौथे पर करेगा और चौथा पाँचवें पर करेगा, जस्ट बिकॉज सभी जो वैगन से यहाँ पर है वो सेम साइज सेम मास के यहाँ पर है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, तो किसी एक डब्बे का अगले डब्बे पर क्या निकाल लीजिए, एग्जर्ट फोर्स आप निकाल लीजिए यहाँ पर, तो क्या किया जा सकता है यहाँ पर जरा बताइए आप मुझे, अब एक डब्बे का दूसरे डब्बे पर, तो एक डब्बा कितना फोर्स एग्जर्ट कर सकता है दूसरे डब्बे पर, जितना कि क्या होगा इसका क्या होगा मास होगा और जितना वो एक्सेलरेट होगा, है ना, यदि मैं पहले डब्बे यदि मैं बात करूँ वैगन वन की, वो कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा दूसरे पर, तो पहले तो बेसिकली फोर्स का वही फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फोर्स फोर्स निकालेगा फॉर्मूला वही न्यूटन थर्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू एफ इज इक्वल टू एम, लेकिन यहाँ पे जो मास आएगा वो किसका आएगा, किसी एक वैगन का आएगा, हमारा किसी एक वैगन का आएगा,
इसमें एक वैगन का मास कितना है आप बताइए, 2000। अब उस वैगन का मास आपने ले लिया प्लस आपको क्या चाहिए, एक्सीलरेशन भी। तो जैसे आपको मैंने बताया हर एक वैगन क्या होगा 3.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही एक्सीलरेट होगा। आधी बात यहाँ पर आपको समझ लिया जाएगा, आप बताइए उस एक वैगन के लिए 3.5 क्या एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकंड पर। तो ये निकल गया यहाँ पर आपके पास क्या, उस एक वैगन के थ्रू एग्जैक्ट फोर्स किसी दूसरे वैगन पर, और यही सेम एग्जैक्ट होगा यहाँ पर दूसरे के थ्रू तीसरे पर। अरे आपको पता है मतलब समझते हो गया यहाँ पर कुछ इस तरीके से। बस अब आपको क्या करना है, सब सेक्शन को निकालना, दैट्स इट। 3.5 इंटू 2 आपने किया तो बेसिकली हो गया यहाँ पर आपके पास 7000 हो जाएगा आपके। तो 35 में 7000 निकाल दीजिए, आपको 35 है और 35 में माइनस कर दीजिए यहाँ पर 7000, तो जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वही आपका एक्चुअली में क्या होगा उतना ही क्या कहलाएगा यहाँ पर आपका क्वांटिटी ऑफ फोर्स जो है, यहाँ पर उतनी क्वांटिटी ऑफ फोर्स जो है वो एक पैटर्न बेसिकली दूसरे पैटर्न। आपको समझ में मैंने क्यों सब्सट्रैक्ट किया, क्या किसी बच्चे को डाउट है? यदि आप में से किसी बच्चे को डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल पूछे। यदि किसी भी तीनों न्यूमेरिक में से किसी भी एक न्यूमेरिक पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यूमेरिक्स के साथ।